हेलो गाइस, वेलकम टू UKPSC अपडेट्स। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड अपर PCS 2016 पेपर 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि आगामी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए ऐसे दिया हुआ है, 1, 2, 3 ऐसे करके इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है और इन पूछता है कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो इनका अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 कितनी बार आएगा वो हमको बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर मेथड से किया जाए तो ये बहुत लंबा होगा, जो कि एग्ज़ाम में करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम नॉर्मल ट्रिक या पैटर्न से देखेंगे। ठीक है, अगर देखिए इसको हम क्या करें, इसी क्वेश्चन को छोटा कर लें इतना। अगर मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो उसमें बताओ 2 कितनी बार आ रहा है। एक यहाँ पर 2 दिख रहा है और 4 में 2 कितनी बार आता है, 2 × 2 तो 2 बार तो यहाँ दिख रहा है, 1 बार यहाँ, टोटल 3 बार आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसको पकड़ते हैं जो ये लास्ट टर्म है हमारा 4, अगर इसको पकड़ लें और इसको 2 से भाग दें तो इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, और फिर इसी 2 को एक बार और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ से भी हमको पता चल जाता है कि इसमें 2 कितने बार आया था, 2 + 1 टोटल कितनी बार आता है, 3। वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर हमें डायरेक्ट पता करना है कि 2 कितनी बार आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म इस 50 को पकड़ लेंगे। ठीक है, इस 50 को पकड़ लेंगे और इस 50 में भाग दे देंगे 2 से, तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो 50 में भाग देते हैं 2 से, कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, फिर 25 में और 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, जो कि ठीक है। और एक रिमाइंडर रहेगा, उसको हम ध्यान नहीं देंगे हमें, क्योंकि सिर्फ 2 में फोकस करना है। ठीक है, फिर 2 से 6 बार और भाग जाएगा, फिर 2 से 3 बार और भाग जाएगा दोस्तों, फिर 2 से 1 बार और भाग जाएगा, 3 में एक शेषफल रहेगा, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। 3 में 2 × 2 एक रिमाइंडर बच जाएगा, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इतना, 25 + 12 + 6 + 3 + 1। ठीक है, 25 बार कितना, 37 37 और 6 43 और 3 कितना हो गया, 46 और 1 47, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 47 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछता है कि 123 और से 321 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उसमें 7 के गुणनफल कितने होंगे। ठीक है, 7 के मल्टीपल कितने होंगे 123 और 321 के बीच में, तो इसको किस तरीके से करेंगे दोस्तों, सीधे सीधे भाग दे देंगे 7 से, कितनी बार इसमें डिवीजन जाएगा, 7 × 28, फिर बचेगा 41, 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर है 123, इसको भी 7 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 × 7 और बचेगा 53, 7 × 57 = 50, तो माइनस कर देंगे दोस्तों, 45 में से 17 घटाएंगे, कितना आएगा, आएगा 8, और 3 में से 1 घटाएंगे, ये बचेगा 2, तो ऑप्शन नंबर 4 28 इसका आंसर हो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न ले रहे हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू दी है कितना, 2c, और सी प्लस डी की वैल्यू दी है कितना, 2a, और बहुत सारे हमको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमको इसमें से अपना आंसर ढूंढना है। हम सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, तो इस साइड क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2a + 2c, जिसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन नहीं लेंगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं 2a + 2c। ठीक है, अब बताओ एक a यहाँ है और 2a यहाँ है, तो जब ये a इस साइड को आएगा तो माइनस होके सिर्फ एक a बच जाएगा, इसको मैं एक तरीके से सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। वैसे ही अगर इस 2c में से इस c को घटा लेंगे तो यहाँ सिर्फ एक c बचेगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा क्या, बी और डी, तो इस साइड आएगा बी प्लस डी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी प्लस डी इक्वल टू
a+c, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, b+d इक्वल टू a+c, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले टाइम पे हम उत्तराखंड अपर पीसीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।